इसकी वर्किंग बताना है क्या? इसकी वर्किंग बताना है क्या? सिस्टम है जो वीडियो में, और हमारी लैब का नाम है सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी। बेसिकली हम लोग लैब में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो उसमें ये सिस्टम है इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम, जो किसी भी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स में ऑटोमेटिकली आग को डिटेक्ट करके और बुझा देता है। इस सिस्टम के बेसिकली दो पार्ट हैं, एक क्रू कंपार्टमेंट है जिसमें हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं और आग को 20 मिलीसेकंड के अंदर में डिटेक्ट करके और बुझा देते हैं। दूसरा पार्ट इसका है इंजन कंपार्टमेंट का, जिसमें हम आग को जो है 10 सेकंड के अंदर डिटेक्ट करके और बुझा देते हैं। तो ये इसकी हम आपको वर्किंग भी दिखा देते हैं। जैसे मैचस्टिक से अगर हमने स्मॉल फायर क्रिएट किया तो इस टाइप से बजर भी बच जाएगा। इस समय हम हैलॉन गैस को रिलीज नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हैलॉन गैस को हम रिलीज करते हैं और आग बुझ जाती है। सिमिलरली ऐसे इंजन कंपार्टमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रो ये लीनियर थर्मल डिटेक्टर लगा हुआ है, इसको अगर हम आग को दिखाते हैं तो ये ऑटो अभी बजर बच जाएगी, जबकि बजर की जगह हम सिलेंडर्स का यूज़ कर लेते हैं और उसमें आग रिलीज हो गैस रिलीज होती है हैलॉन और आग बुझ जाती है। ये करेंटली सर इस समय ये इंडियन आर्मी BMP T-72 और टैंक्स में यूज़ कर रही है, और फ्यूचरिस्टिक जितने भी टैंक में इंडियन आर्मी के लिए बनाए जाएंगे इंडिजिनियस, उनमें इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये प्योरली इंडिजिनियस है, DRDO का डिज़ाइन है और ये मैन्युफैक्चरिंग जो है बेल की है।